इतनी काली कमाई कि 3 लाख से ज्यादा पलंग खरीद सके, लेकिन कानून का शिकंजा कसा तो सीधे फर्श पर आ गया। काला धन इतना कि 25,700 लोगों को 1-1 लाख रुपए बांटा जा सके, लेकिन कलई खुली तो थाने की जमीन पर रात गुजारनी पड़ी। नकदी इतनी मिली कि जांच एजेंसियों को गिनने में 150 घंटे का वक्त लग गया। अब नंबर 2 की कमाई का वही किंग राज जुगलने लगा है। ये तस्वीरें कानपुर के काकादेव थाने की है और ये तस्वीरें पीयूष जैन के ठिकानों से बरामद हुए कैश की है। दोनों तस्वीरों को देखिए और समझिए। एक तस्वीर कानून की आंखों में धूल झोंक कर जुटाई गई बेहिसाब दौलत की है, दूसरी तस्वीर कानून के फंदे में फंसे उसी काले कुबेर के फर्श पर रात गुजारने की। बेहिसाब दौलत भी पीयूष को बचा नहीं सकी। सोचिए, अगर पीयूष जैन की काली कमाई का सुराग नहीं मिलता तो ये आलिशान मकान के मखमली गद्दे पर आज सो रहा होता, अपने बेडरूम में गर्म तापमान में सो रहा होता। देखिए, आज यहाँ ना कोई मखमली बिस्तर है, ना तो लाखों का बेड, ना कोई हीटर। ये थाना है, थाने की फर्श है और उसी फर्श पर काले धन का कुबेर है। जिस पीयूष जैन के पास करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों रुपया उसकी तिजोरी में पड़ा हुआ, बंडलों में करोड़ों रुपया पड़े हुए, जब वो कानून के शिकंजे में आया तो एक थाने के एक छोटे से परिसर में जमीन पर लेटा हुआ नजर आया। ये कानून की ताकत है और इसी कानून की ताकत के तहत ये पीयूष जैन तस्वीर में जो देख रहा है, कंबल ओढ़ करके जो शख्स लेटा हुआ है, ये पीयूष जैन है। वही पीयूष जैन जिसके घर में ठिकानों में छापेमारी के लिए करीब कहा जाए कि अगर 150 घंटे लगाए गए, 50 घंटे तक लगातार पूछताछ की गई, 50 घंटे तक पीयूष जैन से पूछताछ की गई, करोड़ों रुपया उनके अलमारियों में मिला, तिजोरियों में मिला, तिजोरियां काटी गईं, जो दरवाजे थे उनको काटने के लिए गैस कटर का प्रयोग किया गया, तब जाकर के करोड़ों रुपया इनके पास से बरामदगी हुई है। जीएसटी के इतिहास में पीयूष जैन, ये शख्स जो जमीन में लेटा हुआ है, इसके घर से जीएसटी के इतिहास में सबसे बड़ी बरामदगी अगर कहा जाए तो हुई है। रात थाने में यूं गुजरी और दिन में इत्र कारोबारी पीयूष जैन को रिमांड मजिस्ट्रेट की कोर्ट पे पेश किया गया। इसमें आज माननीय न्यायालय ने रिमांड 14 दिन के लिए दिया है और इसमें टैक्स की चोरी जो पाई गई, अभी लेटेस्ट डेटा के अनुसार 31,50,00,000 रुपए का टैक्स का एवेजन सामने आया है, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। कानून का फंदा पीयूष जैन पर कस चुका है, एक नहीं तमाम एजेंसियां अब पीयूष जैन के काले खजाने के तार को जोड़ने में लगी है। सवाल यही है, कितनी दौलत कमाई तो कमाई कैसे, इतनी दौलत छिपाई तो छिपाई कैसे। आज तक संवाददाता संतोष शर्मा कानपुर में पीयूष जैन के उस आलिशान कोठी पर पहुंचे जहां छापेमारी में काले धन की बड़ी खेप मिली। ग्राउंड जीरो पर जो दिखा और जो पता चला वो चौंकाने वाला है। सोचिए, जिस काले कुबेर ने अपनी कोठी में 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 257 करोड़ छिपा कर रखे थे, वही कुबेर पुरानी गाड़ियों से चलता था, कोठी के अंदर काला धन आता और जाता रहा, किसी को कानों कान खबर नहीं हुई, तो इसकी बड़ी वजह पीयूष की लाइफ स्टाइल है। करोड़पति पीयूष जैन की जिंदगी में अगर गाड़ियों की बात करें, ये सिर्फ 2 गाड़ियां, एक गाड़ी ये टोयोटा की कोरोला गाड़ी है, UP 74 AB 6394, नंबर की सीरीज को देखकर लगता है कि लगभग 8 से 10 साल पुरानी ये गाड़ी है। गाड़ी का रखरखाव एक आम आदमी की तरह, इसको देखकर कोई नहीं कहेगा कि ये एक ऐसे व्यक्ति की गाड़ी है जिसकी अलमारी में करोड़ों रुपया यूं ही पड़ा रहता है। करोड़ों रुपया अलमारियों से बरामद हुआ, सोना बरामद हुआ, बेशकीमती दस्तावेजों जो प्रॉपर्टीज थी उनके पेपर्स मिले हैं। इस पूरे घर की रखवाली के लिए इस घर में सिर्फ 2 नौकर, दोनों ही नौकर क्या चौकीदार अगर कहेंगे तो ज्यादा मुनासिब होगा, दोनों ही चौकीदारों को करीब 7,500 रुपए तनख्वाह, और सबसे अहम बात कि दोनों ही जो चौकीदार थे वो ज्यादा पुराने नहीं हैं। मतलब कि अमूमन नौकरों को बदलने की जो
स्ट्रैटेजी थी वो पीयूष जैन की बहुत अहम थी कि घर में कोई पुराना नौकर रहेगा तो घर को बहुत अच्छे से समझ जाएगा और वो नहीं चाहता था कि कोई उसके घर के अंदर के हालात को बहुत अच्छे से समझ सके। इस कोठी के अंदर का राज ना खुले लिहाजा घरेलू नौकर नहीं रखे जाते थे, सिर्फ चौकीदार की नियुक्ति होती थी जिन्हें कोठी के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। हम कैमरे नहीं। अच्छा नहीं नहीं तो ये बताइए कि इस घर में कितने लोग रहते हैं इनके यहाँ पर? इनके यहाँ पर मतलब बच्चे लोग रहते हैं, मतलब जो है कौन कौन? पीयूष जैन और पीयूष जैन तो लड़का है और पीयूष जैन तो मतलब मालिक है, मतलब जो है हाँ। उनके लड़के रहते हैं, पढ़ते ही है। अच्छा कितने लड़के हैं उनके? दो लड़के हैं। क्या नाम है उनका? एक है गोलू और एक है प्रशांत। अच्छा और जिस दिन ये 22 तारीख से आए हैं यहाँ पर तो क्या अंदर कितने गेट वेट काटे गए हैं, कितना क्या कुछ? हम लोग अंदर नहीं गए भैया। अच्छा तो कभी पता कितना सामान निकला है? हमें बता सके कितना कम कितना बड़ा मकान है? यू और भी कोई मकान है आनंदपुरी में? इनकम टैक्स और जीएसटी की कई टीमों ने इस कोठी का कोना कोना खंगाला है। कोठी ने राज उगल दिए हैं और अब बारी पीयूष जैन के राज उगलने की है। संतोष शर्मा, कानपुर, आज तक।